आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलिया रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक बोरे और बैग में 97 की संख्या में सुंदरी प्रजाति के कछुए के साथ 3 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। रेलवे पुलिस बलिया के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि होली के त्योहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पूर्वी छोर पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए और वर्दी देखकर भागने लगे। उनको दौड़ाकर पकड़ लिया गया और उनके पास से बोरे और बैग मिले। जब बोरे और बैग की चेकिंग किया गया तो बोरे और बैग में सुंदरी प्रजाति के 97 कछुए मिले, जिन्हें बरामद करने के साथ ही 3 कछुआ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कछुआ तस्करों ने बताया कि वो कछुओं को आजमगढ़ से खरीदकर पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे। कछुओं को बरामद करने के साथ ही गिरफ्तार तस्करों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेजा जा रहा है। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। जी, आज जीआरपी और आरपीएफ का एक संयुक्त अभियान चल रहा था होली के त्यौहार के मद्देनज़र। प्रिवेंटिव चेकिंग हो रही थी, उसी चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म के इस छोर पे, पूर्वी छोर पे 3 लोग संदिग्ध हालत में मिले थे। वर्दीधारी को देख करके भागने लगे, तो जो पकड़ के चेक किया गया उनको, तो जो उनके पास बोरे और बैग्स थे उनमें सुंदरी प्रजाति के कछुए मिले। उसकी संख्या 97 थी। इसके पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं कछुआ, पहले भी ये 3-4 दफ़ा पकड़ा गया है ट्रेनों में लवारिस रूप में, लेकिन हमारे कार्यकाल में पहली दफ़ा है कि जो माल और मुलजिम दोनों मिले। सर, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? लेके आ रहे थे और कहाँ ले गए? जो हमने पूछा इनसे, ये कहे कि हम आजमगढ़ से कुछ मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं, वो उन्हें बेचा था वहाँ, नाम पता वो नहीं जानते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये कलकत्ता ले जाते हैं। इसको अभी जब्ती बनी है, इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा इसको, और उसके बाद वन विभाग के द्वारा जो भी आदेश न्यायालय का होगा तो उनके खिलाफ़ मुकदमा चलेगा, मुजरिमों के खिलाफ। बाकी जो कछुआ जो है आदेश मिलने के बाद वापस सुरा ताल में जो है वन विभाग छोड़ देगा। कितनी संख्या में लोग गिरफ्तार हैं? 3 लोग। थैंक यू।